प्यारे विद्यार्थियों, पिछली कक्षा में आपने पढ़ा था कि संसाधन तथा विकास के क्या कॉन्सेप्ट हैं। संसाधन, जैसा कि आपने पढ़ा कि वे कोई भी वस्तु जो हमारी जीवन शैली को सुदृढ़ बनाती हैं या जो हमारे लिए उपयोगी होती हैं, चाहे वो प्राकृतिक हो चाहे मानव, वो संसाधन कहलाते हैं। आपने ये भी देखा कि संसाधन के कितने प्रकार हैं, कौन कौन से संसाधन हो सकते हैं। ये सारी चीज़ें देखने के पश्चात अब हम लोग देखेंगे कि संसाधनों का विकास कैसे होगा, यानी कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं उनका हम विकास कैसे कर सकते हैं। क्योंकि आप जानते हैं कि हमारे पास जो भी संसाधन हैं वह धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पृथ्वी पर जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है और जो संसाधन हैं वो सीमित हैं। आप क्षेत्र में भी अगर इस क्षेत्र को गौर से देखें तो आप देखेंगे कि जो जल है, धीरे धीरे जल का जो स्तर है वह धीरे धीरे नीचे चला जा रहा है, क्योंकि कुछ लोग पानी का बहुत अधिक दुरुपयोग कर रहे हैं। तो पानी का किस तरह से हम संचयन करें, उसका किस तरह से हम उपयोग करें ताकि उसका विकास किया जा सके या आने वाली पीढ़ियों के लिए भी बचा रहे और हम उसका संचित उपयोग करें, इन्हीं सारी बातों पर हम लोग आज के इस क्लास में बात करेंगे कि संसाधनों का किस तरह से विकास किया जाए। आइए देखते हैं, संसाधनों का विकास, संसाधन प्रकृति की देन है। ये आप जानते हैं कि जो भी संसाधन है वह प्रकृति की देन है, लेकिन कुछ लोग ये मानकर उसका अंधाधुंध उपयोग करते हैं, यानी कि जिस तरह से सीमित तरह से करना चाहिए ऐसा नहीं करते हैं, जिसके कारण क्या होता है, बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। ठीक है, आप पानी बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे तो पता लगेगा कि पानी ख़त्म हो जाएगा और कल को आपको नहीं मिलेगा। इसी तरह से अगर हम पेट्रोल का दुरुपयोग करें तो धीरे धीरे पेट्रोल ख़त्म हो जाएगा, यानी कि जो भी संसाधन हैं वह सीमित मात्रा में है, इसलिए हमें उसके संचय की, हमें उसके विकास के पर ध्यान देना चाहिए। तो इस तरह से जब उसका दुरुपयोग किया जा रहा है तो कुछ समस्याएं आ रही हैं, जैसे कि कुछ व्यक्तियों के लालच वश संसाधनों का ह्रास हो रहा है। अब जानते हैं क्या होता है कि जो संसाधन हैं उनका कुछ, जो जिनके पास बहुत अधिक पैसा है वह उन संसाधनों का दुरुपयोग कर रहे हैं या अपने पास स्टोर करके रख रहे हैं, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ व्यक्तियों के हाथों में संसाधन पहुंच रहे हैं और कुछ लोगों को नहीं मिल। तो आप सेकंड देखेंगे कि संसाधनों के कुछ खास व्यक्तियों के ही हाथ में आ जाने के कारण समाज दो हिस्सों में, एक अमीर और दूसरा गरीब में बट गया है, जिसका कारण समाज में बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं। अब इन सभी कारणों से क्या हो रहा है, आप देखेंगे, थर्ड में देखेंगे कि संसाधनों के असंगत तथा अंधाधुंध उपयोग से कई तरह के वैश्विक संकट पैदा हो रहे हैं, यानी कि कई तरह के ऐसे संकट पैदा हो रहे हैं, विश्व स्तरीय संकट, जो सबके लिए हानिकारक है। जैसे क्या है, ग्लोबल वार्मिंग। आप देखते होंगे कि दिन प्रतिदिन क्या है, पृथ्वी का जो वातावरण है वह बढ़ता जा रहा है, भूमंडल जो है गर्म होता जा रहा है, जिसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं सामने आ रही हैं। इसका कारण यह है कि बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, केमिकल्स हैं, या आपका ये एसी फ्रिज बहुत ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है, जिसके कारण पर्यावरण बहुत ज़्यादा गर्म होता जा रहा है। वहीं इसी के कारण क्या हो रहा है, ओजोन परत का क्षय हो रहा है। आप जानते हैं कि अगर ओजोन परत में छेद हो जाएगा तो जो अल्ट्रावायलेट किरणें हैं सूर्य की, वह जब नीचे आने लगेंगी तो उससे कई तरह के त्वचा रोग होने लगेंगे। उसी तरह से आप देखें, भूमि निम्नीकरण, यानी कि ध्यान देंगे तो भूमि का भी, जो भूमि एक संसाधन है जिसका वितरण बहुत असमान है, कुछ लोगों के पास बहुत ज़्यादा भूमि उनके पास है, कुछ के पास है ही नहीं, तो इस तरह से बहुत सारी ऐसी समस्याएं उत्पन्न हो रही हैं जिसके लिए आवश्यक है कि संसाधनों का विकास हो। अतः इन संकट तथा विपरीत परिस्थितियों से निपटने के लिए तथा भविष्य के में इन संकटों को पैदा होने से रोकने के लिए संसाधनों का न्याय संगत बंटवारा, यानी कि जो भी संसाधन है उनका बंटवारा इस तरह से हो कि हर व्यक्ति
तक सुलभ हो, हर व्यक्ति को बराबर मिले, हर व्यक्ति उसका उपयोग कर सके, हर व्यक्ति के लिए लाभकारी हो। इसलिए मानव जीवन की गुणवत्ता तथा विश्व शांति बनाए रखने के लिए संसाधनों के न्यायसंगत बंटवारा तथा उपयोग के लिए संसाधन का सही विकास तथा सही योजना अति आवश्यक है। यानी कि इन्हीं सभी कारणों से आवश्यक है कि हम संसाधनों का क्या करें, सही तरह से उसका विकास करें या एक ऐसी प्लानिंग बनाएं जिस प्लानिंग के अंतर्गत संसाधनों का संचय हो सके, उनका विकास हो सके। और इसी के कारण, इसी को ध्यान में रखते हुए संसाधनों का उपयोग जो है सतत पोषणीय विकास के द्वारा ही संभव है। यानी संसाधनों का उपयोग विकास तथा सही योजना से ही सतत पोषणीय विकास संभव हो सकता है। यानी कि अगर हम संसाधनों का सतत पोषणीय विकास करें तभी जो है संसाधनों का विकास संभव है। आइए आगे बात करते हैं। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? सतत पोषणीय विकास, जैसा कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, सतत का मतलब होता है कंटिन्यूअस, निरंतर। यानी कि सतत का शाब्दिक अर्थ क्या है? निरंतर, जो चीज़ें निरंतर बनी रहें। अगर हम अंधाधुंध उनका प्रयोग करें लगेंगे संसाधनों का, तो वो क्या होगा? समाप्त हो जाएगा। लेकिन हमें सतत पोषणीय विकास के अंतर्गत ऐसा रखना है कि जो भी संसाधन हमारे पास हैं उसका इस तरह से प्रयोग करें कि वह निरंतर बना रहे, जो कि हमारी अगली पीढ़ी के लिए भी उपयोग में लाया जा सके। निरंतर पोषणीय अर्थात पोषण देने वाला, अर्थात सतत पोषणीय विकास का अर्थ हुआ निरंतर पोषण के लिए विकास। यानी कि निरंतर रूप से उसका हम उपभोग कर सकें, इसके लिए विकास को ही सतत पोषणीय विकास कहा गया। पर्यावरण को नुकसान पहुँचाए बिना, यानी कि जब भी हम संसाधनों का उपभोग करते हैं तो हमें एक चीज़ और ध्यान रखना होता है कि हम पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना, यानी कि इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाए बिना ही उसका विकास करें या उसका उपभोग करें, जिससे जो भविष्य की पीढ़ियां हैं उनकी आवश्यकताओं को ध्यान में रखें ताकि वह भी इन संसाधनों का आगे भविष्य में उपभोग कर सके। अतः विकास के लिए उपयोग किए जाने वाला संसाधन से पर्यावरण को नुकसान न हो, साथ ही विकास के लिए संसाधन का न्यायसंगत उपयोग हो ताकि आने वाली पीढ़ियों के लिए संसाधन बचे रहें। इस तरह से होने वाला विकास सतत पोषणीय विकास कहलाता है। आशा है कि आप समझ गए होंगे कि जो सतत पोषणीय विकास, ऐसे विकास को कहा जाता है जहाँ पर विभिन्न तरह के संसाधनों का ऐसा समुचित प्रयोग किया जाए, ऐसा सीमित प्रयोग किया जाए या इस तरह की योजनाएं बनाई जाए, इस तरह से प्लानिंग बनाया जाए कि हम उसका उपभोग भी करें और उसको बचाए रखें या उसको निरंतरता उसकी बनाए रखें ताकि हमारी अगली आने वाली पीढ़ी भी ऐसे संसाधनों का उपभोग कर सके। इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरे विश्व के राष्ट्राध्यक्षों ने चिंता जताई। उसके लिए उन्होंने ब्राज़ील में एक सम्मेलन किया जिसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन कहा गया, जो उन्होंने 1992 में किया, जो 3 से 14 जून आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 से 14 जून 1992 में विश्व स्तर पर उभरते हुए पर्यावरण संरक्षण और सामाजिक एवं आर्थिक विकास की समस्याओं का हल ढूंढने के लिए कहाँ पर, ब्राज़ील में के शहर रियो डी जेनेरो में 1992 में एक पहला सम्मेलन आयोजित किया गया जिसे रियो डी जेनेरो पृथ्वी सम्मेलन 1992 के नाम से जाना जाता है। अब यहाँ पर क्या हुआ कि सभी देशों के, लगभग 100 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया और संसाधनों के विकास पर परिचर्चा हुई। वहाँ पर लोगों ने अपनी सहमति रखी, उस आधार पर कुछ निर्णय लिए गए और सभी लोगों ने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। अब देखेंगे कि इस सम्मेलन में पूरे विश्व के 100 से अधिक राष्ट्राध्यक्षों ने भाग लिया। इस सम्मेलन में एकत्रित नेताओं ने भूमंडलीय जलवायु परिवर्तन, यानी कि जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है या अन्य जो परिवर्तन हो रहे हैं, तथा जैविक विविधता पर एक घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया। यानी कि क्या हुआ, एक तरह का घोषणा पत्र
बनाया गया कि अब जो भी काम होगा वो इसी तरह से होगा। इस सम्मेलन में भूमंडलीय वन सिद्धांतों पर सहमति जताई और 21वीं शताब्दी के सतत पोषणीय विकास के लिए, यानी कि उन्होंने घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किया और कहा कि 21वीं जो शताब्दी है हमारी, उसके सतत पोषणीय विकास के लिए हमें एजेंडा 21 को स्वीकृति देना होगा। यानी कि एजेंडा 21 पर इन लोगों ने स्वीकृति दी और एजेंडा 21 के अनुसार पूरे विश्व में संसाधनों के विकास पर एक नई रणनीति बनाई गई। तो एजेंडा 21 क्या है हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस सम्मेलन के द्वारा एजेंडा 21 में कौन कौन सी बातों पर विशेष बल दिया गया ताकि हम संसाधनों को संरक्षित या उनका विकास कर सके। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।